Hello friends, I'm Rajiv. Welcome to my YouTube channel, the Pharmacy Gyan. In today's video, I will discuss about prescription, what is definition of prescription and parts of prescription. So let's start. पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है प्रिस्क्रिप्शन का. प्रिस्क्रिप्शन इज अ राइट एंड ऑर्डर फॉर्म रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर और ए फिजिशियन टू अ फार्मासिस्ट to compound and dispensing a specific medication for a patient. Prescription क्या है? Prescription एक write and order form है register medical practitioner और doctor की तरफ से pharmacist को, ताकि वो एक specific medicines patient को dispense कर सके. We can say that prescription is a write and order form from a doctor side or medical practitioner side to a pharmacist. He should be dispense a specific medicine to the patient. Now we will see that different parts of prescription. First one is date, second is name, age, sex and address of the patient, third is subscription, fourth is inscription, fifth is subscription, and sixth is signature, is renewal instruction, and 8 is signature, address and registration number of the prescriber. Now we will be discuss one by one. First one is date. Every prescription must bear the date on which the particular medicines are prescribed. Prescription mein date ko mention karna chahiye taki kaun si date mein kaun sa medicine prescribe kiya gaya hai. This helps the pharmacist to keep day-day patients record in the chronologic order, which helps the pharmacist or physician to refer the old case in the future. Date jo hai wo pharmacist ke record mein help ho sakta hai taki kaun sa medicines kab diya gaya hai aur uske future mein bhi help hota hai. To avoid misuse of the narcotics or other habitat forming drugs containing prescription by the patients a number of time for dispensing. जो डेट है वो नारकोटिक ड्रग्स के मिसयूज़ में भी हेल्प होता है, जिससे नारकोटिक ड्रग्स का मिसयूज़ कम हो जाता है, हैबिटेड ड्रग्स का भी यूजेस कम हो जाता है. सेकंड वन इज नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट. नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस मस्ट बी राइटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है लिखना, पेशेंट का नाम, उसका एज, सेक्स और पेशेंट का एड्रेस. नेम हेल्प्स द फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट, अवॉइडिंग एनी चांसेस ऑफ गिविंग द मेडिसिन टू द पर्सन अदर देन द ऑन इट्स डिस्पेंसिंग फॉर. जो नाम है वो फार्मासिस्ट को हेल्प होता है मेडिसिन को डिस्पेंस करने में, ताकि कोई गलत मेडिसिन दूसरे पेशेंट्स को डिस्पेंस ना हो जाए. पेशेंट्स फुल नेम मस्ट बी राइटन इंस्टेड ऑफ निक नेम और सर नेम. और जो प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट का फुल नेम लिखना चाहिए निक नेम्स और सर नेम्स को छोड़कर. एज ऑफ द पेशेंट बिकम इम्पोर्टेंट इन केस फॉर द पेडियाट्रिक चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल केसेस. और जो एज है वो मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डोसेस फॉर्म है मेडिसिन है वो चिल्ड्रेन यानी चाइल्ड डोज और अडल्ट एंड ओल्ड डोज यानी बूढ़े लोगों के लिए अलग अलग डोसेस है, इसलिए एज को भी करेक्टली मेंटेन करना चाहिए. हेंस डोज ऑफ द ड्रग्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन देयर एज फैक्टर एंड सच केसेस. और जो डोसेस है वो बेस्ड ऑन देयर जो लोगों के पेशेंट्स के एज के ऊपर चाइल्ड डोज या अडल्ट डोज या ओल्ड डोज उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है. बट इन सम केसेस वेट एंड हाइट ऑफ द पेशेंट्स मस्ट बी रिक्वायर्ड. और जो सेक्स और जेंडर्स है वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो डोजेस है जो मेडिसिंस है वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग तरीके से उसका प्रिपेयर किया जाता है,
क्योंकि जो मेल है उसकी मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी और रेस्पॉन्स और औरत की मेटाबोलाइज से अलग होता है, इसलिए जेंडर और सेक्स का भी मेंशन करना चाहिए। एड्रेस ऑफ द पेशेंट इज जनरली रिकॉर्डेड टू द कॉन्टैक्ट द पर्सन एट द लेटर स्टेज और डिलीवरी द मेडिसिन पर्सनली। और जो एड्रेस होता है पेशेंट्स का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पर्सनली अगर कोई मेडिसिन डिस्पेंस करना चाहे तो ये एड्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी दैट्स अ प्रिस्क्रिप्शन इन दैट नेम इज़ देयर, एज इज़ देयर, एड्रेस इज़ देयर एंड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक पैरासीटामोल इज देयर। और नेक्स्ट पार्ट इज सुपरस्क्रिप्शन। दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Rx। जो प्रिस्क्रिप्शन में Rx का सिंबल दिया जाता है उसका मीनिंग सुपरस्क्रिप्शन है। इन द एंशियंट टाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज ए प्रेयर टू द जुपिटर द गॉड ऑफ हीलिंग फॉर द फास्ट रिकवरी ऑफ द पेशेंट्स। और जो Rx सुपरस्क्रिप्शन का जो सिंबल है वो एंशियंट डेज यानी पूर्वजों की काल से ही चला आ रहा है। इसका मीनिंग है कि भगवान को प्रे करना यानी भगवान को प्रार्थना करना कि ताकि पेशेंट्स जल्दी से ठीक हो जाए। नाउ अ डेज इट इज़ यूज्ड एज एब्रिवेशन फॉर लैटिन टर्म टेक थो, इट मीन्स यू टेक। और आज के दिनों में ये सुपरस्क्रिप्शन का जो वर्ड है उसका मीनिंग लैटिन वर्ड लैटिन टर्म यानी यू टेक के मीनिंग से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। दिस इज कंसिडर्ड एज ए मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। और जो इंस्क्रिप्शन है ये प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट है। इट्स कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स। जो ड्रग्स इंग्रेडिएंट्स है, जो ड्रग्स है उसका क्वांटिटी और उसका नाम इंस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है। द नेम ऑफ द इच इंग्रेडिएंट्स इज राइटन ऑन द सेपरेट अलोंग विद द क्वांटिटी। और जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ड्रग्स का क्वांटिटी सेपरेट तरीके से लिखा जाता है। और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें अनेक तरीके का इंग्रेडिएंट्स लिखा जाता है। और जो इंस्क्रिप्शन है उसको तीन भागों में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ बेस। बेस यानी एक्टिव मेडिकामेंट जो कि थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। सेकेंड वन इज़ एडजुवेलेंट सब्सटेंस एडेड टू द इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ द मेडिकामेंट। अ सब्सटेंस विच इंक्रीजिंग द एक्शन, जो ड्रग्स दिया गया है उसका एक्शन को इंक्रीज करे करे उसे एडजुवेलेंट कहा जाता है। और जो वेहिकल सब्सटेंस यूजिंग टू डिजोल्व द मेडिकामेंट इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन। और जो वेहिकल वेहिकल जो है वो ड्रग सब्सटेंस को डिजोल्व करता है ताकि उसका प्रिपरेशन वॉल्यूम इंक्रीज हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन में इजी हो सके। वी कैन सी दैट हियर दिस कैलामाइन एंड जिंक ऑक्साइड दिज आर 15 ग्राम एंड 5 ग्राम। दिज आर द बेस, दिज आर द एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स। एंड बेंटोनाइड इज ए एडजुवेलेंट एंड रोज वाटर इज ए वेहीकल। और नेक्स्ट पार्ट इज सब्सक्रिप्शन। दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइबर टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द टाइप एंड कंपाउंडिंग ऑफ डोसेज फॉर्म अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ डोसेज टू बी डिस्पेंस। और जो सब्सक्रिप्शन है वो एक डायरेक्शंस है प्रिस्क्राइबर की तरफ से फार्मासिस्ट को, जो कि रिलेटेड है कंपाउंडिंग ऑफ द डोसेस फॉर्म के कंपाउंडिंग में और उसके साथ साथ कितना डोसेस फॉर्म को डिस्पेंस किया गया है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि जो ड्रग्स का डोसेस है वो डोसेस फॉर्म के ऊपर निर्भर करता है। दिस डोज ऑफ द ड्रग्स इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द डोसेस फॉर्म। एंड नेक्स्ट पार्ट इज सिग्नेचर। दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज सिग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। और जो सिग्नेचर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि सिग्नेचर दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। और जो सिग्नेचर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि फार्मासिस्ट की तरफ से पेशेंट को है उसके
ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और जो ये सिग्नेचर है वो SIG से रिप्रेजेंट करता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। एंड दिस इंस्ट्रक्शन में भी इंक्लूड, और जो सिग्नेचर है उसमें ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, द क्वांटिटी टू बी टेकन, कितना क्वांटिटी पेशेंट्स को लेना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स को कब कब यानी दिन में कितना बार लेना है, द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स वो IV मोड हो यानी इंट्रावेनस हो, इंट्रामस्कुलर हो, या फिर ओरली हो, या फिर रेक्टल हो, उसके बारे में भी दिया जाता है, और ड्रग्स के डायलेशन डायरेक्शन के बारे में भी सिग्नेचर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेक्स्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, दिस इज पार्ट्स द प्रिस्क्राइबर वेदर द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिन्यूअल और नॉट। और जो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है प्रिस्क्राइबर की तरफ से, ताकि ये प्रिस्क्रिप्शन रिन्यूअल हो सकता है या नहीं, और रिन्यूअल हुआ है या नहीं। और जो है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नारकोटिक ड्रग्स और हैबिटेड ड्रग्स का अवॉइड करता है। एंड नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट, सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, दिस सिग्नेचर एंड नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन इनटू लीगल एंड ऑथेंटिक सिग्नेचर नंबर प्रिस्क्राइबर का यानी डॉक्टर का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये साबित करता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है ये एक लीगल है। दिस हेल्प टू प्रिवेंटिंग द यूजेस ऑफ सुपीरियस ड्रग्स। और जो ये सिग्नेचर एड्रेस और रजिस्टर नंबर प्रिस्क्राइबर का ये बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि सुपीरियस ड्रग्स का प्रिवेंशन करने में यूज़ होता है। एंड रजिस्टर नंबर इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नारकोटिक ड्रग्स। और जो रजिस्टर नंबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन में, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम इस चैनल पर इंपॉर्टेंट नोट्स और फार्मर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।